तो आखिरकार मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया और मैं सोई नहीं। सबसे पहले मैं इतनी सीधी सादी इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैंने अपने हेयर में ऑयल डाला हुआ है और छोटी बनाई है इतने दिनों के बाद। दिन नहीं कह सकते, साल ही कह लो, कि मैं बनाती ही नहीं हूँ ज़्यादातर चोटियाँ, बस अब वो बंद होता है और हेयर ओपन होता है। सो मैं जा रही हूँ बाहर, और बाहर मतलब ऐसे नहीं कि छोटा मोटा बाहर कि हाँ अहमदाबाद जा रही हो या यहाँ जा रही हो या वहाँ जा रही हो। मैं जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी जगह पे, और ये ना मेरे नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखेगा कि मैं कहाँ गई थी। सो अभी जब मैं ये व्लॉग डालूँगी तो मैं प्रोबेबली जाकर आ चुकी होंगी। और आज रात को हमारी ट्रेन है और ट्रेन से मैं जा रही हूँ, और मेरी फैमिली नहीं चल रही है साथ में, मैं अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ जा रही हूँ। और अभी मुझे लगी थी बहुत ही ज़्यादा वाली भूख, और मैं थी ऊपर, अभी तक मैं ऊपर थी और अभी नीचे आई हूँ। मुझे लगी थी भूख, एक बनाना मैंने खा लिया है और फिर पड़ा था अंदर अनार, सारे फ्रूट्स ही खाए मैंने, ज़्यादा कुछ ऐसा पूड़ी के नहीं खाए। सो अंदर पड़ा था अनार, और अनार कैसे काटते वो मुझे आता नहीं। सो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, फिर उसने मुझे बोला कि इसको बस बीच से कट कर दे और फिर जैसे होता है उसको खा ले, तो मैंने वैसे करके वो खाया है। और फिर मेरा मन है कि मैं खाऊं थेपला। और ये वाले पैन से ना मेरे को पबजी वाली वो सारा है ना, वो ऐसे ऐसे करती है उसकी याद आती है, वो अपना पैन लेके ऐसे ऐसे कर रही होती है हिंदी हो, तो ये उसकी याद दिलाता है मेरे को ना। ऐसे सारे किचन में नई नई चीज़ें बनाना, नए नए सारे कुछ भी ऐसे चीज़ बनाकर ट्राई करनी ना बहुत पसंद है। लेकिन फिर जब से भाभी आए ना तब से मैं ऐसे इतनी ज़्यादा किचन में आती नहीं, क्योंकि सब कुछ तो मुझे मिल जाता है रेडी। चलो गाइस आ जाओ राइस खाने के लिए, गर्म गर्म। कौन कौन खाएगा, आ जाओ खा लो। बेबू का फेवरेट राइस है ट्रिपल राइस। यहाँ पर ना एक ही अच्छी चीज़ मिलती है और वो है ये राइस और फिश, बस ये दो ही मुझे पसंद है। और वो विंटर लेग, उसको बहुत सारी चीज़ें पसंद है। सबसे ज़्यादा हाँ मुझे ना खाना ही पसंद है ज़्यादा, और घूमना। टिपले बन चुके और यहाँ पर राइस खा रही है मम्मी, और अब इसके साथ मैं पीऊँगी मिल्क। सो अब हम हैंड वॉश करके, क्योंकि किया नहीं है, और फिर चलते हैं अंदर, और वहाँ पर फिर बस हम कुछ नहीं करेंगे, रील स्क्रॉल करेंगे। एक बात पूछना ही हूँ मैं, तेरे पास इतनी सारी बाइक तूने चेंज की तो फिर तूने अपनी चैनल क्यों नहीं खोल ली? तो नहीं, नहीं तो इसने इतनी सारी बाइक चेंज की है ना, इतनी सारी बाइक इसने चलाई है, लेकिन उस टाइम पर ये छोटा था इसलिए इसने कोई चैनल नहीं बनाई। अभी भी तेरे को एक आइडिया दूँ, अभी भी ना तो कार की ये वाली बना ले चैनल, और सब जगह पर ये घूमता है ना तो उसकी वीडियोस डालना। हाँ ठीक है, सामने देख ले। 5 बजने आइए, सोया नहीं है, 4 बजे मैं सोने जा रही थी, लेकिन मुझे याद आया कि मॉम ने बोला था कि थेपले बेल कर रखना है। मॉम ने नहीं बोला था, ज़िद मैंने की थी कि मैं बेलूँगी, उन्होंने तो बोला था कि मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे करना था। सो या अब मैं जा रही हूँ सोने, और बज रहे अभी, और अभी पापा उठने वाले, और वो और अभी पापा उठेंगे जॉब के लिए। भाई भी सोया नहीं है, मैं भी सोई नहीं हूँ। मैं भी मुझे ना मतलब जो बाइक राइड करते हैं ना उन लोग के वीडियोस देखने में ना आजकल बहुत इतना इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें वो दिख रही थी। और यहाँ पर भाई बाहर बैठा है,
सो गाइस, ये वाला जो हमारा नीम का पेड़ था ना, वो बेचारा मर गया वापस से. वो ना मतलब यहाँ से ज़िंदा हुआ था, यहाँ से उसके वो जो होते ना वो बाहर आए थे, लेकिन फिर पता नहीं कैसे गायब हो गए सारे. और ये वाला अच्छा है, काफ़ी सही हो गया ये भी. ये ना जन्नत की हनी है, जो बेचारी अकेली है, जन्नत है नहीं घर पे इसलिए. सो इसको हम यहाँ पर बिठा देते हैं. कुछ इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन गाइस इतनी अच्छी सुबह हो रही है, 6 बजने वाले हैं अभी, और इतना अच्छा माहौल हो रखा है, बिल्कुल ही ठंडा और बहुत अच्छा लग रहा है. टेरेस पर जाने का मन कर रहा है, लेकिन नहीं जाऊंगी, मैं इतनी आलसी हूँ ना कि पूछो ही मत. सो मैं अभी नहीं जाने वाली ऊपर, बस मैं यहाँ ही से मज़े ले लूँगी. यहाँ भी काफ़ी अच्छी हवा आ रही है ठंडी सी, और हमको ना मतलब हमारी स्टडी ख़त्म हुई है ना, तब से सुबह देखने का मौका ना तभी मिलता है कि जब हम रात को सोते नहीं हैं, वरना हम उठते इतने लेट है ना कि हमको सुबह दिखती नहीं, दोपहर ही दिखती है या फिर शाम दिखती है. हाँ जी ठीक है, तो अब हम चलते हैं सोने. हमने अच्छी सी प्यारी सी सुबह देख ली, अब हम सो जाएंगे. या बस हुआ ही नहीं रहा, पापा जा रहे हैं, हुआ ही नहीं फोकस. मुर्गी पार्टी बस अभी ना कर आई हो, और सारे क्लोथ्स की पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, और ये 3 सूट है जो अभी मैं ट्राई कर देखूंगी कि मुझे क्या ले जाना है क्या नहीं. और वो तो फाइनल ही है, वो अभी मैं पहनने वाली हूँ, ये पहन कर मैं जाऊंगी अभी, और ये एक एक्स्ट्रा मैंने लिया हुआ है ताकि रिटर्न में जब मेरे को अनकम्फर्टेबल लगे तो मैं वो पहन लूँ. और बस सब कुछ हो चुका है. ओके गाइस, सो सारे जो भी क्लोथ्स थे वो मैंने ट्राई ऑन करने थे तो वो हो गए, और फाइनली मेरे पास कुछ ट्रेडिशनल क्लोथ्स है. वरना मेरी मॉम ना बस यही कहते हैं कि तू पहनती तो है नहीं, और सिलवा कर क्या करना है या फिर लेकर क्या करना है, और ऐसे ही कुछ होते ही हैं मेरे पास. तो फाइनली मेरे पास है, और हम जा रहे हैं जहाँ पर, वहाँ पर वो मतलब ऐसे जीन्स टी शर्ट हम नहीं पहन सकते, क्रॉप टॉप या ऐसा कुछ नहीं पहनना है, मतलब थोड़ा सा संस्कारी बनकर जाना है. और संस्कारी से आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम कैसी वाली जगह पर जाने वाले हैं. सो है ना, सो उसके लिए मैंने बिल्कुल इतना क्यूट सा ड्रेस है वो मैंने लिया है, और साथ में जीन्स टी शर्ट जो लेनी है वो लिया है, और अभी का फिट ये है. सो ट्रेन में जाने वाले हैं, और रात को ट्रैवल करना है तो बिल्कुल ही आप कंफर्टेबल ही जाना. वेट है सो मैं इनको ब्लो ड्राई कर लूँगी. वैसे तो मैं ब्लो ड्राई करती नहीं हूँ, लेकिन बस अभी जाना है तो फिर, और ऐसे इनको ड्राई होने रखूँगी ना तो फिर ये जो मतलब ऐसे नॉर्मली कर्ली हो जाते ना वैसे हो जाएंगे. सो इसलिए मैं इनको ब्लो ड्राई करके और फिर स्ट्रेट कर लूँगी, ताकि कल पूरा दिन वो स्ट्रेट रहे. सो या